हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्षा होम डेकोर आइडिया। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी मेरे से कि आप एक अलग टाइप का गवर्नमेंट अपार्टमेंट दिखाइए। एक ही लोकेशन पे आपको अलग अलग स्ट्रक्चर के गवर्नमेंट अपार्टमेंट देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि टाइम के साथ मॉडिफिकेशन आते रहते हैं और स्ट्रक्चर चेंज होती रहती है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा एंट्रेंस एरिया दिया हुआ है और ये हमारा एंट्री गेट। एंट्री करते ही यहाँ पे सबसे पहले लिविंग रूम दिया हुआ है। अब चलते हैं घर के अंदर की तरफ। जस्ट एंट्री करते ही जो हमारी वॉल स्टार्ट होती है, वहां पे इस वाली वॉल पे एक विंडो दी हुई है और साथ ही में यहाँ पे उसने एक बेड, सिंगल बेड प्लेस किया हुआ है, क्योंकि डे टाइम में हम टीवी वगैरह देखते हैं तो बहुत टाइम हम बैठ के नहीं देख सकते और ये अच्छा आइडिया है काफ़ी कि हम लोग लेट के यहाँ पे टाइम पास कर सकते हैं। सेम यहाँ पे आप DIY देख रहे होंगे, जो लोग मेरी वीडियो देखते होंगे उनको पता होगा कि मैंने ये DIY शेयर किया था। सेम ऐसा ही DIY मेरी फ्रेंड ने भी ट्राई किया था और रियली उसने काफ़ी अच्छा बनाया है। साथ ही में नीचे यहाँ पे देखिए चेयर रखी हुई है मैंने। जस्ट हमने एंट्री करी थी उसी के साथ में ये एक और वॉल है, यहाँ पे उसने टीवी वगैरह लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कोई टीवी यूनिट वगैरह नहीं दी हुई है, इसलिए नॉर्मल उसने अपनी टेबल वगैरह पे ही अपने जो डिश टीवी का सेटअप बॉक्स वगैरह आता है, कुछ डेकोरेटिव आइटम्स हैं, कुछ बच्चे के टॉयज हैं, वो रखे हुए हैं। इसी कॉर्नर से नेक्स्ट हमारी वॉल है, वहाँ पे भी उसने कुछ सेम जो मैंने DIY बनाए थे उन्हीं को ट्राई किया है। उसने जो मैंने काफ़ी मेरे इजी DIY उसको लगे उसने वो ट्राई किए हैं और रियली उसने भी काफ़ी अच्छा बनाया है। साथ ही में यहाँ पे उसने वॉल स्टिकर लगाए हुए हैं, क्योंकि बेबी बहुत छोटा है तो रियली उसके लिए ये काफ़ी अच्छे स्टिकर्स हैं। ये है घर के अंदर वाला पोर्शन जहाँ से हमारे रूम की एंट्री स्टार्ट होती है। जस्ट एंट्री करते यहाँ पे राइट साइड में हमारा किचन दिया हुआ है। यहाँ का जो किचन है वो काफी लंबा दिया हुआ है, काफी स्पेस है इस वाले किचन में। सो ये है हमारे, अब अंदर चलते हैं किचन में। यहाँ पे ऊपर की तरफ एक सेल्फ दी हुई है, काफी लंबी दी हुई है, काफी सारा सामान रख सकते हैं। आप देख भी पा रहे होंगे कि उसने काफी सारा सामान यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ का जो काउंटर टॉप है वो भी काफी लंबा दिया हुआ है, तो आप देखेंगे कि उसने काउंटर टॉप पे यहाँ पे कुछ बास्केट्स रखी हुई है, मिक्सी रखी हुई है, साथ में अपना ये सैंडविच मेकर रखा हुआ है, इंडक्शन रखा हुआ है, इवन वाटर फिल्टर भी उसने यहाँ पे रखा हुआ है। गैस को उसने जस्ट उस कॉर्नर में प्लेस किया हुआ है, क्योंकि वहाँ का जो एग्जॉस्ट फैन दिया हुआ है वो जस्ट वहीं पे दिया हुआ है। यहाँ पे एक विंडो दी हुई है, काफ़ी अच्छी हवा आती है डे टाइम में। यहाँ पे देखिए आप फैन भी देख पा रहे होंगे कि हवा जो आती है वो काफ़ी अच्छी आती है इस वाले क्वार्टर में। जस्ट इसी के साथ हमारा नेक्स्ट ये है, यहाँ पे भी देखिए आप सेल्फ दी हुई है, यहाँ पे दो या तीन दी हुई है, काफ़ी अच्छा सारा एडजस्ट हो जाता है हमारा सामान। काफ़ी लंबा और काफ़ी बड़ा किचन दिया हुआ है ये। क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा टाइम जो है वो किचन में ही निकलता है, अगर किचन काफ़ी लंबा और काफ़ी स्पेस होता है तो हमारा किचन जल्दी से फैलता भी नहीं है और उसको क्लीन करना, उसको मेंटेन करना भी काफ़ी इजी रहता है हमारे लिए। सामने वाली वॉल पे यहाँ पे किचन रैक दिया हुआ है, जिसमें उसने अपने बर्तन वगैरह रखे हुए हैं। क्योंकि ये कोई मॉड्यूलर किचन नहीं है, आप देख पा रहे होंगे ऊपर वाला स्पेस जो है वो काफ़ी खुला दिया हुआ है और जो नीचे वाला काउंटर टॉप के जो नीचे वाला पार्ट होता है वो भी यहाँ पे ओपन दिया हुआ है। यहाँ पे उसने नॉर्मल अपने सिलेंडर, जो बेसिक रूटीन की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे रखी हुई है। काफ़ी क्लीन है उसका घर, आप देख पा रहे होंगे। नीचे वाले काउंटर टॉप को उसने यहाँ पे बिल्कुल खाली रखा हुआ, नीचे वाले प्लेटफॉर्म को, क्योंकि सारा जो सामान है वो ऊपर काफ़ी अच्छे से एडजस्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे रैक काफ़ी बड़ा दिया हुआ है और जो किचन की स्लैब दी हुई है वो भी यहाँ पे 4 से 5 दी हुई है। अब चलते हैं हम रूम की तरफ। यहाँ पे जस्ट बाथरूम दिया हुआ है किचन की साइड में ही,
देखिए ऊपर गीज़र लगाया हुआ है, स्पेस के हिसाब से उन्होंने इस टाइप का गीज़र लगाया हुआ है। और जो टाइल्स हैं वो काफ़ी अच्छी दी हुई है क्योंकि वाइट कलर है, और वाइट कलर से जो काफ़ी कॉम्बिनेशन आता है वो काफ़ी अच्छा आता है। और नीचे की साइड में यहाँ पे ब्लू दिया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है यहाँ पे टाइल्स का भी। ये है यहाँ का वास बेसिन, आप देख रहे होंगे। अब चलते हैं यहाँ पे रूम की तरफ। ये दोनों रूम हैं, जस्ट अटैच्ड हैं एक दूसरे से। ये है यहाँ का मास्टर बेडरूम इस वाले क्वार्टर का। यहाँ पे उसने जो आयरन की अलमीरा होती है हमारी वो वाली रखी हुई है, कुछ यहाँ पे DIY करके उसने रखा हुआ है, देख रहे होंगे आप ये वाली सीनरी। थोड़ा सा डेकोरेट किया हुआ है उसने। ये यहाँ पे वार्डरोब दी हुई है, यहाँ पे ऊपर का जो स्पेस है वो इसमें खाली दिया हुआ है, पूरा फर्निशिंग यहाँ पे नहीं की हुई है, थोड़ा सा सिंपल ही है। और जो यहाँ पे कर्टेन का कॉम्बिनेशन है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एक्वा ब्लू और वाइट का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। सेम यहाँ पे इस वाली वॉल पे इसने स्टिकर्स भी लगाए हुए हैं। सबसे अच्छी बात इस वाले क्वार्टर में ये है कि यहाँ पे हवा बहुत अच्छी आती है डे टाइम में और नाइट टाइम में भी। उसने सेंटर में ही बेड को प्लेस किया हुआ है, दोनों साइड में स्पेस छोड़ा हुआ है, काफ़ी अच्छा है ये वाला भी। उसने कॉम्बिनेशन जो है वो ब्लू का ही दिया हुआ है अपने रूम को। यहाँ पे उसने एक्वा ब्लू और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन के ही कर्टेन डाले हुए हैं अपने पूरे क्वार्टर में, यानी कि लिविंग रूम में भी, अपने मास्टर बेडरूम में, और जो हमारा नॉर्मल बेडरूम है उसके अंदर भी। काफ़ी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है हमारी वाइट वॉल के साथ में, काफ़ी अच्छा मिक्स एंड मैच हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे साथ में ही एक बालकनी दी हुई है, दोनों रूमों की यहाँ पे कॉमन बालकनी दी हुई है, अलग अलग सेपरेट बालकनी यहाँ पे नहीं दी हुई है। और बालकनी का जो स्पेस है वो थोड़ा सा कम दिया हुआ है यहाँ पे, सेम ऐसे यहाँ पे लिविंग रूम का जो स्पेस था वो भी थोड़ा कम दिया हुआ है। बाकी यहाँ पे किचन और बेडरूम काफ़ी बड़े दिए हुए हैं। जिस रिसीव वॉल के साथ में यहाँ पे देखिए ये ड्रेसिंग टेबल आप देख रहे होंगे, ये वॉल के साथ ही अटैच दिया हुआ है हमारा। यहाँ पे उसने ऊपर एक सीनरी बनाई हुई है वो वाली रखी हुई है, और ये है यहाँ का ड्रेसिंग टेबल। उसने काउंटर टॉप पे यहाँ पे कुछ नहीं रखा है ड्रेसिंग टेबल पे, क्योंकि उसका बेबी थोड़ा सा नोटी है तो वो सामान को नीचे गिरा देता है, इसकी वजह से उसने यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा हुआ है। अब चलते हैं बालकनी की तरफ। यहाँ पे बालकनी दी हुई है, ये है यहाँ पे बालकनी। यहाँ पे बालकनी का डोर आप देख रहे होंगे, ऊपर से नेट दिया हुआ है और नीचे से यहाँ पे ओपन नहीं है पूरे में, यानी कि नेट नहीं दिया हुआ है। और ये है यहाँ की बालकनी। यहाँ पे उसने चेयर रखी हुई है, कुछ प्लांट रखे हुए हैं, और जो कपड़े हैं वो बाहर की साइड डालती है जो बारिश वगैरह नहीं होती है। तो अब यहाँ पे जस्ट इसी रूम के साथ में अटैच था ये दूसरा वाला रूम। सेम कर्टेन डाले हुए हैं उसने पूरे घर में, और ये भी काफी अच्छा लगा मुझे कि पूरा थीम एक ही दिया हुआ है उसने। यहाँ पे उसने रखी हुई है वॉशिंग मशीन, क्योंकि ये वाला रूम जो है वो कम ही यूज होता है। और ऊपर की साइड देख रहे होंगे यहाँ पे कोई कबर्ड नहीं दिया हुआ है, ऊपर एक लंबी सी सेल्फ दी हुई है जिसमें आप अपना नॉर्मल जो एक्स्ट्रा आइटम है उनको यहाँ पे रख सकते हैं। तो उसने कुछ यहाँ पे अपने एक्स्ट्रा आइटम रखे हुए हैं ऊपर की तरफ, और सेम यहाँ पे भी एक कबर्ड दिया हुआ है। यहाँ पे उसने वॉशिंग मशीन को रखा है, जो अपना नॉर्मल फैन आता है वो रखा हुआ है, और यहाँ पे भी उसने एक बेड को रखा हुआ है नॉर्मल। उसने लिविंग रूम में हमारा स्पेस कम था, और किचन में भी उतना स्पेस नहीं है कि आप फ्रिज को एडजस्ट कर सकते हो, इसलिए उसने इस वाले रूम में ही फ्रिज को रखा हुआ है। साथ में स्टडी टेबल भी डाली हुई है।
फ्रिज का जो काउंटर टॉप है उसने एक पेंटिंग बना के रखी हुई है, कुछ बुक्स रखी हुई है, कुछ जो अपने एक्स्ट्रा एक्सेसरीज होते हैं उसको यहाँ पे रखा हुआ है। अगेन यहाँ पे उसने इस वाले रूम में भी एक वॉल स्टिकर लगाया हुआ है। वॉल स्टिकर लगाने से हमारे घर की वॉल जो है वो काफी डेकोरेटिव हो जाती है बिना किसी मेहनत के ही। यहाँ पे दिया हुआ है बालकनी का गेट। यहाँ पे दोनों रूमों की एक कॉमन बालकनी है, बालकनी का स्पेस थोड़ा सा यहाँ पे कम दिया हुआ है। सो आपको आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब